अभी बात करते हैं यहाँ पे। हाय डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू शाइनिंग स्टार शोरा चैनल। ये हमारी स्कूल सीरीज की पहली वीडियो है स्कूल एडमिशन टॉपिक के अंडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का रहता है स्कूल एडमिशन प्रोसेस के अंडर, ताकि आप भी अपने बच्चों को उस तरीके से तैयार कर सके। इफ आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर मोर मेनी वीडियोस। तो जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया में मैक्सिमम जगहों पे एज क्राइटेरिया होता है एडमिशन के लिए। नर्सरी एडमिशन के लिए एज क्राइटेरिया हमारे इंडिया में 3 साल है, कई जगहों पे 3.5 साल भी है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर 3 साल ही। क्या आप लोगों को पता है शौर्य 19 जनवरी को 3 साल का हो गया है। अब शौर्य के लिए हम स्कूल चूज कर रहे हैं। आज हमने मदर प्राइड स्कूल में विजिट किया था, वहाँ पे हमें टीचर्स अदर फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने फीस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, सिलेबस एक्सप्लेन किया और जो हमें जोन्स थे स्कूल के अंदर वो सब दिखाए। स्टडी जोन दिखाया, प्ले जोन दिखाया, प्ले ग्राउंड दिखाया। मिडल प्राइड स्कूल में विजिट किया था, वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा। टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत रिस्पेक्टफुल थे, हमें एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। टीचर्स ने साथ जाके पूरे स्कूल को विजिट कराया, विजिट कराते टाइम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्ले जोन के बारे में बताया, कैसे कैसे प्ले जोन में बच्चों को कैसे कैसे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, अदर एक्टिविटीज़ एरिया दिखाए, डांसिंग एरिया दिखाया, प्ले ग्राउंड दिखाया और स्टडी एरिया दिखाया, किचन दिखाया, टीचर्स के साथ मिलवाया दूसरे टीचर्स के साथ, बच्चों के सिलेबस को एक्सप्लेन किया। प्री नर्सरी के अंदर बच्चों को क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे बच्चों से कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, कौन से सब्जेक्ट में कितना सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और फीस स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया, कैसे क्या फीस रहेगी, ट्रैवल का क्या लगेगा, अदर एक्टिविटीज़ में क्या डिपॉजिट कराना पड़ेगा, क्या कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारा वहाँ का बहुत अच्छा रहा। अभी हमने शौर्य के एडमिशन के लिए कोई जगह कंफर्म नहीं किया, एक दो स्कूल और हैं जो हमें अच्छे लगे, किसी ने बताया है या हमने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखा है। अभी हम बाद में उन पे भी विजिट करेंगे एक दो दिन के अंदर ही, जो भी हमें अच्छा लगेगा उसी में हम शौर्य का एडमिशन करवाएंगे। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, स्कूल के अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं होती, वहाँ वीडियो बना के नहीं ला सकते कैसे क्या है कैसा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो हमने आज बनाया है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आगे भी जो हम थोड़ा बहुत बना पाएंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बस अभी रेडी कर रहे हैं, शौर्य के पापा जी तो हो गए हैं रेडी, शौर्य को शौर्य की मम्मा रेडी कर रहे हैं, अभी ये खेल रहे हैं थोड़ा सा और फिर मैं तो अभी जा रहा हूँ। सो गाइज, हम निकल लिए स्कूल के लिए, अभी आपको स्कूल में जाके मिलते हैं, शौर्य के पापा हमें आगे मिलेंगे, तो लेट्स गो। लो जी, हम पहुँच गए हैं मदर्स प्राइड, तो यहाँ करते हैं एक बार बात शौर्य की, एडमिशन भी ओपन हो रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए क्या प्रोसीजर है, कैसे कुछ क्या टीचर वगैरह है, सब सब पूछ के और फिर बताते हैं आपको, लेके चलते हैं अंदर, चलिए चलते हैं। हाँ जी, यहीं से। हाँ जी, ये देखो शौर्य, ये आप भी लिख, आप भी यहीं आओगे, आपको भी यहीं आना है। क्या कर रहे हैं मम्मा? मम्मा अपना नाम एड्रेस लिख रहे हैं पुलिस स्टेशन में। हाँ जी, आप स्कूल आया करोगे हर रोज? देखो आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आप, ठीक है। लीजिए, हम पहुँच गए हैं शौर्य के फर्स्ट स्कूल में, देखिए कैसा लग रहा है शौर्य का फर्स्ट स्कूल। अभी बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए शौर्य को तो आते ही शरारत शुरू हो गई है शौर्य की। क्या कर रहे हो ये? ये फील करना है शौर्य की मम्मा को, ये शौर्य का प्लेइंग एरिया है। लाओ मेरे को दे दो ये। मैं
यहाँ रख देते हैं ठीक है, नहीं यही रख देते हैं तू। नहीं शरारत नहीं करनी, टंग नहीं निकालनी। पानी पीने पीना है आपको, ये लीजिए। एक हाँ जाओ आप भी, इनको मारा नहीं, छोड़ो इनको, रखो यहीं पे, हाँ यहीं रखे हैं, जाओ शौर्य के लिए प्ले जो। इसमें जाओगे? चलो जाओ फिर। चलो बाद में जाएंगे, अभी और दिखाएंगे आपको, और भी टॉयज हैं। चलो हाँ जी, लो जी शौर्य के स्कूल में हम होके आ गए हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी अंदर, इसलिए ज़्यादा वीडियोग्राफी हमने की नहीं, थोड़ी थोड़ी बहुत की है, वो आपको दिखा दी हमने। नहीं बैठ जाओ बेटू, कैसी लगी आपको? सर्दी में आइसक्रीम नहीं खाते बेटू, जुकाम हो जाएगा आपको, दवाई नहीं खिलवाएंगे हम फिर, ठीक है? नींद नहीं आ रही ना, सर्दी में नहीं खाते बेटू। शौर्य बहुत जिद करता है आइसक्रीम के लिए, सब कुछ छोड़ देता है आइसक्रीम के लिए, चॉकलेट वाली आइसक्रीम। ये देखिए मम्मी ने खाया इसको, आप ज़्यादा खा रहे हैं शौर्य को, मम्मी ने बोलो उनको खिलाओ 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 खिलाओ, फिनिश करो उनको, फिर चलेंगे।